हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल बेस्ट जायका विद सिम्मी में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल बेसन के टेस्टी लड्डू। इन लड्डुओं को बनाना बेहद आसान है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन लड्डुओं को बनाने में, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं इन लड्डुओं को आपको बनाना सिखाऊंगी, ये लड्डू आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर पाओगे और बहुत ही टेस्टी आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो फिर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो ये कटोरी मैंने सेट कर ली है और इस कटोरी से नापकर मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन ले लिया है। आप कोई चाय वाला कप भी सेट कर सकती हैं अगर आपको कम लड्डू बनाने हो तो। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे और उसी कटोरी से नापकर यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। यहाँ पर मैंने 1/3 कप देसी घी लिया है, मतलब कि 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, लेकिन सारा घी हमें अभी नहीं डालना है इसमें। 70% तक हम इसमें घी को डाल देंगे और ये घी हमने बचा लिया है, इसका हम आगे यूज करेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। तो घी को मेल्ट होने देंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इसमें हम डालेंगे बेसन। सारा बेसन डाल देंगे और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बेसन को यूज करने से पहले आप छान जरूर लें, क्योंकि बेसन में जो गांठें होती है ना, छानने से वो खुल जाती हैं और फिर हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें इस प्रोसेस को करने में, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम कर इसको भूना तो ये कच्चा रह जाएगा और फिर जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो जो प्रॉब्लम आती है ना कि लड्डू खाते हुए गले में चिपक जाते हैं, वो इसीलिए चिपकते हैं क्योंकि हम बेसन को भूनने में कंजूसी कर देते हैं। इस प्रोसेस में टाइम तो ज़रूर लगता है, लगभग 20 से 22 मिनट तक हमें इसको भूनना है लगातार चलाते हुए, लेकिन हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूने। अगर आपको लड्डू बहुत अच्छे बनाने हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और बेसन को भुनने दें, लगातार चलाते रहें, गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें। और बेसन की एक पहचान होती है, जैसे जैसे ये भुनने लगता है ना तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, सारा घर महकने लगता है इसकी खुशबू में, इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आती है। यकीन मानिए दोस्तों, आज जिस तरीके से मैं आपको ये लड्डू बनाने सिखा रही हूँ, यदि आपने इस तरीके से लड्डू बनाए तो आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको इन लड्डुओं को बनाना है। शुरू में जब आप बेसन को डालेंगे इसके अंदर तो आपको लगेगा कि घी कम है और ये सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको धीरे धीरे पकाएंगे, जैसे जैसे ये भुनेगा आप इसका बदलाव अपने आप ही देखेंगे। और सारा घी हमें शुरू में इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अगर हमने सारा घी शुरू में डाल दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि घी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि कभी कभी बेसन पर भी डिपेंड करता है बेसन मोटा है या बारीक है, तो घी बेसन के हिसाब से हमें डालना है। जैसे जैसे हम इसको भुनेंगे अगर घी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन अगर हमने शुरू में ही सारा घी डाल दिया तो जब हम लड्डू को बनाएंगे ना तो ये अच्छे से शेप नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसलिए घी को हमने बचा लिया है। अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में इसमें घी को ऐड कर देंगे। जैसे जैसे बेसन गर्म होगा इसमें गांठें सी बनने लगेंगी, तो इस स्पैचुला से इस तरीके से जैसे मैं इनको फोड़ते हुए बेसन को भून रही हूँ, बस ऐसे ही आपको भी दबाते हुए बेसन को इस तरीके से भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी इसमें ट्रिक बताने वाली हूँ कि जिससे कि अगर आपका बेसन बारीक भी होगा तो जो आपके लड्डू हैं वो बिल्कुल दानेदार बनेंगे, ऐसे बनेंगे जैसे कि आपने मोटे बेसन से बनाए हों। तो आप वीडियो को देखते रहें। तो लगभग 10 मिनट भूनने के बाद अभी हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें 1 चम्मच भरकर घी हम डाल देंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे ये भूनने लगेगा ना इसमें से एक तो खुशबू आने लगेगी और ये घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। लगभग 15 मिनट हमने इसको भून लिया है, 1 चम्मच घी इसमें और डालेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए और भूनेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे जो हमारा बेसन है वो भुन चुका है और जितना घी हमने लिया था उसमें से इतना घी हमारा बच चुका है, इसलिए मैंने बोला था कि घी को हम बाद में यूज करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, क्योंकि बेसन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक जिससे हमारे लड्डू दानेदार बनेंगे। तो जब आपका बेसन इस तरीके से भुन जाए, देखिए घी इसने रिलीज कर दिया है, इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ
केवल 1 से 1.5 चम्मच पानी लिया है मैंने, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो इस तरीके से ये पानी डाल देंगे, और जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें दाने दाने फूलने लगे हैं, क्योंकि जो हमारा बेसन है वो गर्म है और जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, ठंडा होता है पानी, तो इसके दाने फूलने लगते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसका पानी उड़ जाए और बेसन हमारा अच्छे से दानेदार हो जाए। दोस्तों, आप इस ट्रिक को एक बार अपनाकर ज़रूर देखना, यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेंगे, चाहे आपका बेसन पतला हो या फिर मोटा हो। तो ये देखिए, जो बेसन है हमारा अच्छे से भुन चुका है, जो हमने इसमें पानी डाला था वो बिल्कुल सूख चुका है और बेसन हमारा तैयार है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लगभग 2 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से कढ़ाई के अंदर चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका कलर ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, और इस बर्तन के अंदर हम ये जो हमने बेसन भून कर रखा है, ये सारा बेसन इसके अंदर निकाल देंगे। अब इसको इस स्पैचुला से थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और चलाते हुए इसको ठंडा करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ज़्यादा ठंडा भी हमें इसे नहीं करना है, केवल इतना ठंडा करना है कि हम इसको हाथ से छू पाए। ठंडा इसलिए करना है हमें इसको, क्योंकि जब हम इसमें गरम गरम में चीनी डाल देंगे ना, या बूरा जो भी हम यूज करेंगे, तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है ताकि जो हम इसमें बूरा डालें वो इसमें मेल्ट ना हो। तो ये देखिए, जो हमारा मिक्स है, बेसन है, वो ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो गया है कि हम इसको हाथ से छू पा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम टेस्ट के लिए डाल देंगे इलायची का पाउडर। अब डालेंगे इसमें थोड़े से काजू को मैंने काट लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसको स्किप कर दें, या फिर इसमें जो मगज़ होते हैं ना, खरबूजे के बीज होते हैं, उसको भी आप डाल सकती हैं। अब इसके अंदर जाएगा बूरा, इसको खांड भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने कटोरी से नापा था ना बेसन, उसी कटोरी को मैंने ले लिया है, उससे 1/3 कटोरी भरकर, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, मैंने बूरा ले लिया है, इसको डाल देंगे। स्पैचुला से अच्छे से मिला देंगे, आप चाहें तो हाथों से भी इसको मिला सकती हैं। तो देखा आपने कि जो हमने इसमें बूरा डाला है वो इसमें मेल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा मिक्स है, जो बेसन है, वो थोड़ा सा ही गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही पूरे तरीके से ठंडा है। अगर हम गर्म गर्म में डाल देते तो ये मेल्ट हो जाता। तो इस तरीके से मुट्ठी बांधकर देखेंगे, हमारे लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्स है वो सूखा सूखा सा है, तो इसमें आप 2 चम्मच घी की डाल दीजिए, और अगर लगे आपका जो मिक्स है वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो रहा है, आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकती हैं, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर आप इसके लड्डू बना सकती हैं। तो अब लड्डू बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स लेंगे, जितना मोटा या आप इसको छोटा या बड़ा बनाना चाहती हैं वैसे बना सकती हैं, हाथों के बीच में गोल गोल करेंगे। बहुत ही आसानी से हमारे लड्डू बन जा रहे हैं, जो हमारा मिक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, 1 लड्डू हमारा तैयार हो चुका है, लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुलने वाला लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से और लड्डू भी बना लेंगे, हाथों के बीच में गोल गोल करेंगे और लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको देखने से ही लग रहा होगा फटाफट से लड्डू बन जा रहे हैं, सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इनको गरम गरम खाएंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे, थोड़ी देर रखकर खाएंगी तो ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इन पर थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे, आप चाहें तो बादाम या काजू भी लगा सकती हैं, या फिर इनको ऐसे भी छोड़ सकती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने इन लड्डुओं को बनाकर तैयार किया है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जिस तरीके से मैंने इन लड्डुओं को बनाया है, इसी तरीके से आप इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करना। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, वाह, कितना बढ़िया, एकदम दानेदार हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो इस गणेश चतुर्थी आप इन लड्डुओं को एक बार बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।